वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपली आप सब ठीक हैं गाइस। आज फ्राइडे का दिन है, अल्लाह का बरकत दिन है और सबसे बड़ी बात रमज़ान का महीना है और इस महीने की वैसे ही इतनी बरकत है और ऊपर से आज फ्राइडे का दिन है और आई होप देखें ये इस दफ़ा लास्ट फ्राइडे होता है कि नेक्स्ट फ्राइडे आप और भी यानी कि आता है नेक्स्ट फ्राइडे। अब ईद होती है कि रोज़ा होता है तो अब तो हर दफ़ा ही ये हो गया है ना कि लेट नाइट 11 11 12 12 बजे पता चल रहा होता है कि ईद है तो इंसान हर यानी कि डाउट में ही रहता है कि देखें सुबह होगा कि नहीं। सोते सोते टाइम भी यही सोच रहे होते हैं ये ना हो कि हमें रात पता ना चले और सुबह उठें और ईद हो। तो जी आज हमने कुछ भी इफ्तार में नहीं बनाना है। आज हमने अवैस के ताया जी के घर जाना है, इफ्तारी हमारी वहाँ पे हम इनवाइटेड हैं तो मैंने सोचा चले आज मैं फ्री हूँ, मैं आपके साथ सारी ईद की शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नूरहैन को गिफ्ट मिला है तो ये देखें जी, ये नूरहैन को वॉच इसकी कज़न ने गिफ्ट की है और देखें बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है, नूरहैन को भी बहुत पसंद है और ये देखें जी पहनने में भी इजी है, बहुत स्टाइलिश बहुत प्यारी है। तो बहुत नूरहैन खुश हुई देख के। और तो जी कैसी लगी ये वॉच? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। नूरहैन की वैसे भी और बहुत सी फ्रेंड्स हैं लेकिन ये एक्चुअली नूरहैन भी एक ही अकेली ही से बहन है और ये इसकी खाला की बेटी है भी है तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। डेली इन्होंने ऑनलाइन एक दूसरे के साथ गेम्स खेलनी होती है तो उसके साथ साथ ये भी इनको मोहम्मद अली और मोमिन को गिफ्ट मिला है, ये वॉचेस इनको गिफ्ट यानी कि तीनों की को मिली है। तो कैसी लगी इनकी वॉचेस सबसे पहले ये बताएं, इनके गिफ्ट आपको कैसे लगे उसके बाद आपको इनकी शॉपिंग दिखाती हूँ। तक मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई और नूरहैन की भी अभी पूरी नहीं हुई है तो मैं इसी ऐसे लेके आई थी जूता, वो फिर ले लिया इतना ज़्यादा। हम लोग पूरी शॉप्स पे गए हैं तो सारा मेट्रो हर चीज़ इसी हेयर स्टाइल हो कोई ऐसी शॉप नहीं जहाँ हमने ना गए हों। तो लास्ट पे इतना मैं थक चुकी थी तो मैं फिर ले आई लेकिन आके फिर मुझे इतनी यानी कि उसकी ना सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि जैसा मेरा माइंड था वैसा मुझे जूता नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चले मैं अब उसको एक्सचेंज करवा लूँगी, देखें आप भी दुआ कीजिएगा अच्छा मुझे मिल जाए। तो ये नूरहैन की स्कर्ट ली थी जब हम यानी कि इसका लेने इन लोगों के जूते लेने गए थे तो फर्स्ट लुक की जब नूरहैन ने ये देखी स्कर्ट तो ये एक्साइटेड हो गई, मम्मा मैंने यही लेनी है यही लेनी है। तो अभी तक इसके साथ की अब शर्ट नहीं मिली है तो अब मैंने अपनी ये अपनी सिस्टर की जिम्मेदारी उसको सपुर्द कर दिया कि अब तुमने इसको शर्ट ढूंढ के ला के देनी है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब ये स्कर्ट ली है और हरीम की भी ऐसे की सेम है, उसने ली थी इम्तियाज़ मॉल से, हमने जाल से अनम गारमेंट से ये ली है, दोनों की सेम बाय चांस ही मिल गई है। उसकी तो जैसी उसकी शर्ट थी तो फिर इसकी खाला ने वो ऑर्डर की तो वो उसके साथ की नहीं मिली है। अब देखें आई होप कि अच्छी मिल जाए, मैं भी इतना विज़िट किया है मुझे जैसा मेरा माइंड है वैसे कि मुझे नहीं मिल रही है। तो ये है मोहम्मद अली की शर्ट। तो ये शर्ट जिसने भी देखी है सबको बहुत पसंद आई और इसका प्राइस भी सब शर्ट से कम इसकी प्राइस है, 730 में ये मिली है। और किसी भी शर्ट का इतना आजकल तो इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं कुछ भी लेने जाओ तो यानी कि 1000 1500 से कम कोई शर्ट नहीं मिल रही है 2000 तक। ये मैंने कुर्ते लिए थे मोहम्मद अली और मोमिन के दोनों के सेम इसी कलर के हैं, बस साइज़ चेंज है। ये मोहम्मद अली का है और इसके साथ वाइट इनकी ये देखिए ऐसे शलवार है इसी तरह का सेम मोमिन का है। ये फिर आप ओपन नहीं करूँगी, दोनों के सेम ले आई थी तो बहुत खुश थे। मोहम्मद अली बहुत कम पहनता लेकिन ईद का फर्स्ट डे आपको पता है कि कम शलवार कमीज ही अच्छी लगती है इसलिए फिर मैंने इसकी कोशिश होती है कि इसको जैसे भी हो फर्स्ट डे पहना दूं। फिर मैं इसको कहती हूँ कि फ्राइडे को पहन ले, मोमिन तो शौक से पहन लेता है लेकिन ये बहुत तंग करता है। और ये माशाल्लाह बहुत मुझे रिजनेबल प्राइस में बहुत प्यारे ये मिल गए थे, इसकी लोन बहुत प्यारी है, कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था। हो गए मोहम्मद अली और मोमिन के फर्स्ट डे के ड्रेस और अब देखें नूरहैन का। नूरहैन का भी पहले मैं एक और लेके आई थी तो वो तकरीबन 5-6 दिन घर में पड़ा रहा है, ले तो मैं आई थी लेकिन मुझे ना इतना पसंद नहीं था वो। तो फिर ये अचानक बाज़ार में गई और इस पे मेरी नज़र पड़ी है फिर मैं ये इसका फर्स्ट डे के लिए ले आई हूँ।
और इसी तरह का फिर मेरी सिस्टर को था कि मेरी बेटी को भी मंगवा दो हरीम को, फिर बस इसमें एक ही पीस था फिर और नहीं मिला, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसको था कि ये मिल जाए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो इसके साथ ये देखें, ये है इसकी कैप ट्राउज़र है, उस पर भी ये वर्क हुआ, साथ में ये है दुपट्टा है। तो नूरहैन का कैसा लगा आपको ड्रेस? मुझे बहुत पसंद है और ये मिला है डिस्काउंट के साथ 2800 में, बहुत रिजनेबल प्राइस में ये मिल गया। और उसके साथ का सेम ये देखें मुझे मिल गया खुस्सा। तो नूरहैन की शॉपिंग देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, आपको पता है माओं को बेटों का भी होता है लेकिन बेटियों की चीज़ें नहीं ख़त्म होती है। कल मैं इसकी कटिंग करवा के आई थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कैसा लगा नूरहैन का फर्स्ट डे का ड्रेस और जूता वगैरह सारा कुछ? और भी इसके लिए हैं, मैंने दो जूते इसके और लिए हैं, वो भी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी ना। तो इनकी कुछ ना कुछ फरमाइशें नहीं ख़त्म होती हैं। फिर साथ में ये नूरहैन लेके आई है नेल कलर, और साथ में ये फोनियाँ इसके लिए दी थी स्टाइल वगैरह बनाने के लिए। ये मेरा एक ड्रेस है ऑल्ट्रेशन के लिए, अभी दिया हुआ, मैंने भी इस दफ़ा स्टिच ही ले लिए थे तो फिर मुझे मिल गए थे टू पीस। ये इसके साथ ये दुपट्टा है, तो ये कॉटन एट का दुपट्टा लिया था, इसको खुद मैंने डाई करवाया, अभी इसकी पिको करवाने वाली है। और ये ट्राउज़र है, इस ट्राउज़र के साथ ये दुपट्टा है, इसके अंदर जो एम्ब्रॉयड्री हुई है उसमें इस चीज इस कलर का टच है, उसके साथ ये डाई करवाया, लेकिन अभी तक कुर्ता नहीं आया है, वो इंशाल्लाह आपको ईद पे पहन के ही दिखाऊंगी। और ट्यूशन के लिए दी है, और एक और जो दूसरा लिया है उसके साथ का ये ट्राउज़र है, उसका भी दुपट्टा भी डाई करवाना है और शर्ट भी। तो आज ही मैंने टेलर को फ़ोन किया था कि जल्दी से मुझे भेज दें, मैंने दुपट्टा उसका डाई करवाना है। तो आई होप आज कल में मिल जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह इससे पहले ही यहीं पे आपके साथ अपनी ड्रेसेस भी शेयर करूँगी। बाकी शॉपिंग, और ये है मोहम्मद अली की शर्ट। तो कपड़े माशाल्लाह अच्छे मिल गए थे, ये देखें आजकल इसका बहुत ज़्यादा फैशन है, ये इनर शर्ट, इनर इसके अंदर इनर है लेकिन ये सेपरेट नहीं है, इसके साथ अटैच है जस्ट फ्रंट पे। तो ये है 1040 में मिली थी ये शर्ट, मुझे बहुत पसंद आई थी ये शर्ट, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ जो ये है पैंट डार्क ब्लू में, इसकी ये पैंट है और पैंट की प्राइस है 1065 प्लस में ये पेयर बना इसका। तो इसकी मैं आपको और भी एक बात आपको बताऊंगी, कुछ लोग होते हैं ना तो घर में आके यानी कि उन्होंने देखा कि अगर तो बिल ज़्यादा बन गया तो फौरन से भागे जाते हैं, और अगर कम उन्होंने रेट लगा दिया तो चुप करके बैठ जाते हैं। वैसे मेरी आदत है, मैंने कभी घर आके चेक नहीं किया है, मैं कहती हूँ उन्होंने ठीक ही पूरा ही बनाया होगा। जब हम ये शॉपिंग करके आए थे तो अवैस ने कहा कि बिल चेक किया है उन्होंने, ज़्यादा तो नहीं बनाया है, पीसीस पूरा का लगाया है ये वो, मैंने कहा पूरा ही होगा, मैं इग्नोर करके अपना किचन में बिजी हो गई थी और कुछ मैं थकी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अवैस ने कहा चलो मैं बिल चेक करता हूँ, और जब इन्होंने बिल चेक किया, हमारे ये थे इसकी मोहम्मद अली और मोमिन की चार चार शर्टें थी और साथ में पैंट थी, यानी कि टोटल 8 पीस थे, 7 पीसीस का बिल बनाया था। फिर अवैस फौरन गए और फिर उनको बताया कि आपने एक कोई पीस है उसका इसमें बिल ऐड नहीं किया है, तो फौरन से फिर उन्होंने ऐड किया, तो डिस्काउंट फिर नहीं उन्होंने कोई किया। अच्छा, और ये एक पैंट है 1045 में ली है, ये है मोमिन की पैंट और इसके साथ ये है शर्ट। तो जी यही वो शर्ट है जिसका उन्होंने बिल वगैरह नहीं, ये 1100 में थी सॉरी ये शर्ट। तो ये देखें जी क्या ये इसका इनर है, और बहुत ये भी मुझे पसंद आई थी शर्ट। इनकी एक दूसरी ये वाली शर्ट है, इस पर ये सारा पेंट हुआ है, मुश्किल से इनकी ये शॉपिंग हुई है, मिल ही नहीं रहा था कुछ। और साथ में ये देखें ये है मोमिन की एक पेंट है, पहन लेगा। तो ये है मोहम्मद अली की, और इस पेंट की प्राइस है 905। ये सारी शॉपिंग हमने एक ही शॉप से कर ली थी, बस नूरहैन की शॉपिंग ही मुश्किल से हुई और अभी तक इसकी ये शर्ट नहीं आई है। और ये देखें एक मोहम्मद अली की ये पेंट है, इसके साथ जो आपको सबसे फर्स्ट पे दिखाई थी ये शर्ट, इसके साथ ये वाली को पहन लेगा। तो जी बच्चों की कैसी लगी आपको शॉपिंग? और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको इनकी
जूते और वैस्क भी हमने दो लेके आए थे, मैं लेके आई थी। मैंने अभी आपको ऑल आपको मैं ये अपना इसी ऐसे जो जूता लेके आई थी ना, मैं आपको ये दिखाती हूँ और उसके बाद मैं जो एक्सचेंज करूँगी वो भी फिर आपको दिखाऊँगी। फिर मुझे बताइएगा कि मैंने एक्सचेंज करके अच्छा किया कि पहला अच्छा था कि बाद में अच्छा था। और बच्चे अब गए हुए हैं सुपारा पढ़ने, इसलिए फिर मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से वीडियो मैं शूट कर लूँ। फिर इनका इतना ज़्यादा शोर होता है और ये फिर कुछ करने भी नहीं देते हैं। और ये अभी इसका बिल पड़ा हुआ है 1850 में ये मैंने जूता लिया था। और बताएं ये कैसा लगा। एक्चुअली जूता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी था कि मैं थोड़ी सी इसकी हील होनी चाहिए, तो हील की वजह से ना मेरा माइंड थोड़ा सा, यानी कि कहते हैं ना जो सोचा है उसके मुताबिक नहीं मुझे लगा है। लेकिन जिन्होंने भी दे, और ये इस जूते की इतनी सेल है, और ये देखें ये सारे पूरे इसमें स्टोन है, ये देखें कैसे शाइन कर रहे हैं। तो एक दफ़ा विज़िट कर लूँगी, कोई थोड़ी सी हील में कुछ मिल जाए तो, नहीं तो फिर ये तो है ही है ना। और जब मैंने सिस्टर को दिखाया, जैसे ही उन्होंने देखा, वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन यानी कि चीज़ें वगैरह मंगवाती रहती हैं, विज़िट करती रहती हैं, ऑनलाइन देखती रहती हैं। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, मैं बहुत कम देखती हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत प्यारा जूता है, चुप करके ऐसे ही रख लो। फिर मैं के लिए माइंड थोड़ा सा सेट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर हील की तरफ से ना मुझे था कि थोड़ी सी हील हो, तो वैसे भी एक और लूँगी तो फिर, या फिर ये भी रख लूँगी और एक और ले लूँगी, देखिए क्या होता है। तो जी अब हो रहा है तकरीबन 2 बजे का टाइम है, और अब मैंने जुमा की नमाज़ भी पढ़नी है और अफ्तारी के लिए जाना है, बच्चों ने है उसकी भी तैयारी करनी है। तो मुझे बताइएगा शॉपिंग आपको कैसी लगी, बच्चों के ड्रेसेस कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भी, आपकी सारी शॉपिंग हो गई है बताइएगा। और अपना बजाय ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।